जम्मू बहुत फेमस रहा है डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के लिए. जैसे हमारे जम्मू में मिनिएचर्स पेंटिंग्स हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे बाउली आर्ट हुआ करता था, और बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो हमारे विलेजेस में लोगों के घरों में, हमारे जो गांव के लोग हैं वो इनको डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर किसी किन्हीं रिचुअल्स के लिए, हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनके लिए वो किया करते थे. और मैं इसी कला के जमावड़े में बनी बड़ी. और जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स सुनाते हैं कि वह आर्ट में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था. और मैं दीवारों पे, जैसे हम घरों में देखते हैं बच्चों को एक आदत सी होती है, अगर कुछ हाथ में पेंसिल दी जाए तो वो दीवारों पे कुछ ड्राइंग्स करना शुरू हो जाते हैं, कुछ लाइंस उकेरना शुरू हो जाते हैं. या हम सबको ये आदत रही होगी, बचपन में मुझे भी ये आदत थी, कभी दीवारों पे या कभी पेपर पे और कभी चॉक्स पे मैं कलाकृतियाँ बनाया करती थी. और फिर ये सिलसिला जारी रहा. मैं, मेरे फादर एक एजुकेशनलिस्ट रहे हैं और आर्ट लवर हैं. उनको मॉन्यूमेंट्स के, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोग्राफी करने का उनको बहुत इंटरेस्ट था. मैं ये देखा करती थी जब वो कुछ फोटोग्राफ्स घर में लाया करते थे, और मेरे को हमेशा ये जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी ये कहाँ से, बाबा आपने कहाँ किए हैं फोटोग्राफ्स, कहाँ से लाए हैं. और मेरे फादर हमें उन स्पॉट्स पे कभी ले जाते थे जब वो फोटोग्राफी करते थे, और मैं उन पेंटिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी. और हमेशा मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता था कि ये किन लोगों ने बनाए होंगे, कैसे किए होंगे. मन में ये क्वेश्चन उठते थे. कभी मैं पापा से पूछती थी कि ये कैसे होंगे बाबा, ये कहाँ, किसने किए हैं. तो कभी पूरा आंसर तो नहीं मिला, मगर इन कलाओं के साथ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस जरूर करवाया. हमारा जो बचपन है गांव और छोटे कस्बों में ज़्यादा बिकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेशनलिस्ट थे, उनको उनके ट्रांसफर जगह जगह होती थी, उनके साथ जाने का मौका मिलता था. और मैं कुछ ऐसी स्लाइड्स कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ. हम सब शायद इन कलाओं के साथ वाकिफ होंगे, ये बाद में मेरा इंस्पिरेशनल सोर्स बने. ये हमारे गांव में जैसे खेत होते हैं, खेतों में अनाज वगैरह रखते हैं तो ये डेकोरेशन उसके ऊपर की जाती है. और ये किचन्स हैं हमारे यहाँ पे गांव में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ घरों में लोगों ने इनको किचन्स को अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है, डेकोरेटिव मोटिव्स यूज़ किए हैं. और ये बाउली आर्ट है. बाउली आर्ट में हमारे हमारे यहाँ विलेजेस में ज़्यादातर, अगर पहाड़ी इलाकों में अगर हम जाएँ तो वहाँ बाउलीज के ऊपर बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं. और ये सारे जो बचपन में मैं इनको देखा करती थी, ये डेकोरेशन के लिए हमारे यहाँ पे यूज़ होते थे. और कुछ ऐसे ओकेजन्स थे, हमारे रिचुअल्स हुआ करते थे यहाँ पे घरों में, ये आर्ट हमारे मुंडन सेरेमनी होती थी, शादियाँ होती थी, उन जगहों पे ये यूज़ होते थे. और मुझे लगता है कि हम सब इन कलाओं से वाकिफ होंगे. और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और मेरे फादर के साथ मैं ट्रेवल करती रही, कहीं कहीं देखती रही. और हम विलेजेस में जब जाते थे तो विलेजेस के जो लोकलाइट्स थे, जो लोकल लोग थे, उनके साथ हमारी जब इंटरेक्शन होती थी और उनकी फोक टेल्स हम सुनते थे, और उनके जो लोकल एलिमेंट्स यहाँ उनके घरों की जो डेकोरेशन हम देखते थे, वो मेरे कहीं ना कहीं कामों में बाद में जाके वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहा. और फिर उसके बाद मैंने आर्ट एजुकेशन जब ज्वाइन करी, अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, एक सिस्टमैटिक वे से एजुकेशन ज्वाइन करी, तो ये जो मेरे जो ट्रैवल मैं करती रही, कहीं कहीं जाती रही, गाँव में जाती रही, विलेजेस में, कस्बों में, और ये इमेजेस जो हैं मेरे दिमाग में घर करती रही. जब मैंने अपना आर्ट, अपना क्रिएटिव वर्क शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी, तो ये इमेजेस जो हैं ये मैंने इनको ट्रांसफॉर्म किया, इसको एक विजुअल लैंग्वेज, एक क्रिएटिव वर्क में मैंने इनको यूज़ किया. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मेरे आर्ट का, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा. और मैं आपको अभी कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ, जिसमें ये राइटिंग है, जैसे मैंने कहीं कहीं राइटिंग भी यूज़ करी है. ये इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली है, पुराने जो मैं देखती थी, ये विलेजेस के कुछ मैंने एलिमेंट्स लेके काम किया था. ये भी विलेजेस के कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखें, चारपाई है,
सीढ़ियाँ हैं और वहाँ की सराउंडिंग्स को लेके मैंने कुछ किया है, और मैंने कुछ लोकल मोटिव्स यूज़ करे हैं अपने काम में. ये मैंने कुछ लोकल मोटिव्स यूज़ करे हैं अपने क्रिएटिव वर्क में, और ये लोकल मोटिव्स मुझे अपने जो गांव में मैंने जो आर्ट देखा था, जो विलेजेस में मैंने बचपन में जो देखा था, उनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है इसमें. और ये मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पायरेशन का सोर्स रहा. मेरे लिए ये एक सिर्फ डेकोरेशन या फिर रिचुअल्स जो आम चीज नहीं थी मेरे लिए, शायद उस समय आम रही होगी, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये जहन में मेरे बैठी हुई थी ये चीजें. और फिर जब मैं इन्वॉल्व होती गई आर्ट में, ये एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे काम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनते गए. और ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ. मैं धीरे धीरे फिर मैंने IMFA करा, पेंटिंग करा, उसके बाद मैंने अपना रिसर्च ज्वाइन करा. और जो रिसर्च करा वो दैट वाज द फर्स्ट, जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कंटेम्पररी आर्ट को अंडरस्टैंड करना, और एक मॉडर्न कंटेम्पररी को और पुराना जो आर्ट है दैट वो एक ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि वो आर्ट को उसके पहले कभी भी किसी ने उसको उसके बारे में ना तो लिखा था, ना ही एक सिस्टमैटिक स्टडी किसी ने की थी उसके बारे में. और मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब हम जो आर्ट कर रहे हैं या फिर जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो या और भी जो कमिंग जनरेशन है वो हम ट्रैवल करते हैं वो इतना मायने नहीं रखता. हम यहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, छोटे शहर में पैदा होते हैं या बड़े शहर में हम पले बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हम कितने रिसेप्टिव हैं, हम कितने अपने सराउंडिंग्स के प्रति कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं. जब मैंने इसको विजुअल लैंग्वेज दी तो तब मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था यहाँ ट्रैवल करना, बिकॉज मेरे साथ और भी लोग होते थे, मेरे भाई बहन भी होते थे, उनके लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, मगर सेंसिटिविटी और अवेयरनेस और हमें अपने रिसेप्टिविटी हम में होनी चाहिए, बिकॉज ये आर्टिस्ट को एज ए ये किसी भी आर्टिस्ट को ग्रो करने में ये हेल्प करती है. थैंक यू.